हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए। मॉक टेस्ट 3 ये रहेगा, पार्ट हमने 2 इसके डिस्कस कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से आप देख लीजिए, उनको भी बहुत ही मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है उसमें हमने कराए हैं। और यहाँ पे देखिए, आपका ये जो है मॉक टेस्ट 3 रहेगा, जिसमें हम टीसीएस के द्वारा 2018-19 और जो कि 17-18-19 में जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम जो होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की, उसमें पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने निकल कर आता है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है। अब देखिए, ओलंपिक खेलों में किया जाता है और किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है, तो ये रहे आपको ऑप्शन, आपको क्लिक करना होगा, 3 सेकेंड आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जल्दी से आप क्लिक कर लीजिए अपने माइंड में कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट होगा, मुक्केबाजी। ओलंपिक के खेलों में जो बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है वो मुक्केबाजी के लिए किया जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। अब देखिए, राधा मोहन कप की यहाँ पे बात की जा रही है और इसका संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो। पोलो जो खेल है ये, इसका जो संबंध है वो राधा मोहन कप से है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियो जो कि मिलते रहें तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। अब देखिए, क्रिकेट के खेल में जो पॉपिंग क्रीज की जो माप होती है क्या होती है, ये आप सभी को क्लिक करना है। आपके सामने जो कि ऑप्शन आपके जैसे कि सामने शो रहे हैं, आपको यहाँ पे 3 सेकेंड मिल रहा है, जल्दी से अपना आंसर क्लिक कर लीजिए कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप जो होती है वो होती है आपकी 4 फुट, तो यहाँ पे आपका 4 जो कि 4 फुट बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी कोचिंग आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज खरीदने पर अभी पूरी 40% की छूट मिल रही है। तो आप हमारे कूपन कोड RYJGO40 को यूज करके इन टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसकी लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इनको परचेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं। अब देखिए, पूर्ण आकार का जो गोल्फ का मैदान होता है उसमें कितनी संख्या में होल्स जो कि होते हैं, ये आपको क्लिक करना है। अब ये रहे आपके ऑप्शन, आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से क्लिक कर लीजिए अपने माइंड में कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 18। बिल्कुल, ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, 18 टोटल होल्स उसमें होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि आपका खेल जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही इसमें से ही निकल कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे भी क्वेश्चन। और ये जो हुई है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना, जल्दी से पहले आप अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1961। बिल्कुल, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, ये स्थापना बोला जाता है इसको, तो ये आपकी 1961 में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। अब देखिए, कहा गया है या फिर कहा जाता है किसा भी आप मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दो ही तरह से आते, और भी घुमा फिरा के उन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो भारत के जो फ्लाइंग सिख कहा जाता है किसे कहा जाता है, आप जल्दी से क्लिक कर लीजिए। आई होप कि आप सभी को इसका राइट आंसर पता भी होगा, और यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह। बिल्कुल, भारत के जो फ्लाइंग सिख है वो मिल्खा सिंह है, तो यहाँ पर इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है। अब देखिए, कौन से देश को ये श्रेय प्राप्त है ये आपको बताना है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश का, तो ये आपको आयु के पता होगा इसका राइट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन है इनको पूरे को कंप्लीट आप कर लीजिए। इस सीरीज में हम पूरी ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है आपका, भारत। बिल्कुल, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक जो देश हुआ है, यानी प्रथम बार जो एशियाई खेल आयोजित हुए थे वो भारत में हुए थे, तो यहाँ पे आपको भारत याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन निकल कर आता है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये किसके जो कि कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर आपका रहेगा, आप जल्दी से अपने माइंड में भी क्लिक कर लीजिए। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। बिल्कुल, अनुच्छेद 14 जो है आपके कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। अब देखिए जीएस का क्वेश्चन ये पूछा गया है, कच्चे फल जो होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से क्लिक कर लीजिए आप क्वेश्चन को पहले अपना जो आंसर है उसको। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा एथिलीन। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एथिलीन जो गैस है इसका यूज़ किया जाता है कच्चे जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। अब देखिए ऊनी जो कपड़े होते हैं उनकी शुष्क धुलाई में जो गैस लाई जाती है वो आप जल्दी से क्लिक कर लीजिए पहले अपने माइंड में किसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन। बिल्कुल ऊनी जो कपड़े होते हैं उनको शुष्क धुलाई में आपके बेंजीन जो गैस होती है उसको उपयोग में लाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन आपका निकल कर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है। अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है और ये किस शहर में स्थित है ये भी आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका निकल कर आता है और आपको बता देते हैं एयरपोर्ट जितने भी है भारत के पूरे एक वीडियो में हमने सेपरेट डिस्कस कर लिए हैं जीके ट्रिक्स के माध्यम से। आप काफ़ी कम टाइम में उनको याद कर पाएंगे और जीके ट्री की भी हमने याद कराए। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको जीके ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सारे जीके के जितने भी ट्रिक्स के जो वीडियो है पूरे वहाँ पर मिल जाएंगे, पूरे आसानी से आप देख सकते हैं और आसानी से जीके को याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपका कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कोलकाता में स्थित। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल कर आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। अब देखिए बात की जा रही है बर्फ की, बर्फ जो होता है आइस जो होता है वो पानी पर क्यों तैरता है ये भी आपको बताना है और इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा जल्दी से आप अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी से घनत्व जो कि पानी से अधिक घनत्व के कारण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानी से कम घनत्व के कारण राइट आंसर आपका रहेगा क्योंकि पानी से जो उसका जो घनत्व होता है कम होता है, अधिक अगर घनत्व रहेगा तो वो जो कि तैर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपका उसका जो कि कम घनत्व होता है उसी के कारण डेंसिटी जो होती है उसकी कम होती है, इसी के कारण जो कि बर्फ जो होता है पानी के ऊपर तैरता है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। अब देखिए ये जो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में ये कौन से शासन के काल में हुआ था। ये जो हुआ था आपके कनिष्क के शासन काल में हुआ था जो कि यहाँ पे आपका जो इसको चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कि संगीति की बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना और यहाँ से एक और फैक्ट आपका निकल कर आता है कि ये कश्मीर में हुआ था, तो कनिष्क भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मानक ISO 22000 किस क्षेत्र के लिए है। अब देखिए मानक जो ISO जो है आपका 22000 ये किस क्षेत्र के लिए है, तो ये आपका जो है वो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। अब देखिए 22वें जो शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे वो आपके आयोजित किए गए थे रूस में। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रूस में आयोजित हुए थे 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए नॉर्मल बोरलाग इनको बोला जाता है। अब ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में बोला जो कि दिया जाता है, तो आयुब के आपको पता भी होगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आप क्लिक कर लीजिए एक बार अपने माइंड में कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि के क्षेत्र में। बिल्कुल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार बोरलाग पुरस्कार, और नॉर्मल बोरलाग इनका पूरा नाम था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष में हुआ था। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था किस साल हुआ था, यानी कब हुआ था, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे जल्दी से क्लिक कर लीजिए पहले आप। अब यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1911। बिल्कुल तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो जो कि 1191 में हुआ था, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है जो कि 1911 ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। अब देखिए यामिनी जो कि कृष्णमूर्ति जो है किस नृत्य से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये भी आपको जो कि क्लिक करना है और इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा जल्दी से आप क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन है आपके कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और भांगड़ा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हमने एक जो कि लोक नृत्य जितने भी हुए भारत के पूरे जीके टेक्स के माध्यम से कवर कर लिए, आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का जो कि को कब संबोधित किया था। अब देखिए ये जो किया था इन्होंने कब किया था ये आपको बताना है। अब इसका राइट आंसर आपका रहेगा 1893। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, 1893 में इन्होंने जो कि संबोधित किया था, तो यहाँ पर 1893 करेक्ट आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी। अब देखिए ये जो लौटाई थी जो कि कौन सी उपाधि लौटाई थी और महात्मा गांधी जी के द्वारा लौटाई गई थी, तो ये जो उपाधि थी वो थी आपकी केसर ए हिंद, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बहुत बार ये जो क्वेश्चन है और रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, गुलाम वंश के संस्थापक की यहाँ पे बात की जा रही है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्लिक कर लीजिए जल्दी से अपने माइंड में। जी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके लिए निकल कर आता है, और ये जो मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर। बिल्कुल कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य विश्वभर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। अब देखिए केरल को जो जाना जाता है किस लिए जाना जाता है ये भी आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा आप आसानी से इसका क्लिक कर पाएंगे। अगर आपको बताया कि विश्वभर में जो केरल प्रसिद्ध है वो गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरम मसाले। अरे इसको गरम मसाले के जो कि के लिए ही विश्वभर में केरल प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। अब देखिए ट्रैंक्विलिटी जो है आपका सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहाँ पर स्थित है, ये जो स्थित है आपका, आप 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिले हुए हैं, आप आसानी से इसका राइट आंसर क्लिक कर पाएंगे। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर। बिल्कुल तो चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्व में खट्टा शहद कहाँ पर मिलता है। अब देखिए खट्टे शहद की यहाँ पर बात की जा रही है और ये विश्व में कहाँ पर मिलता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, हो सकता है आपके एग्जाम में आपको देखने को ये मिले। तो विश्व में अगर खट्टा शहद की बात की जाए तो ये ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है, तो ब्राज़ील यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ब्राज़ील के जंगलों में ये पाया जाता है खट्टा शहद, आप नाम याद रखिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में कौन निर्णय लेता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए भारतीय मौद्रिक नीति की, तो इसके बारे में जो डिसीजन लेते हैं यानी निर्णय जो लेते हैं वो कौन लेते हैं, तो यहाँ पे जो इनके जो निर्णय लेते हैं भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में वो लेते हैं आपके आरबीआई, जो कि आरबीआई यहाँ पे लेता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आरबीआई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। अब देखिए तमिलनाडु की यहाँ पे बात की जाए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट की का क्या नाम है। अब इन दोनों का जो तट को बोला जाता है वो कोरोमंडल तट बोला जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, 8वें एशियाई कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी। अब देखिए 8वें एशियाई कप की यहाँ पे बात की जा रही है, हॉकी कप की, और इसमें जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी कौन थी, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा रितु रानी। रितु रानी जो है 8वें एशियाई कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रितु रानी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की यहाँ पे बात की जा रही है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। बिल्कुल, ये जो है मुस्लिम अध्यक्ष है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आपका राइट आंसर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और 110% आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। अकबर की यहाँ पे बात की जा रही है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, क्लिक कर लीजिए अपने माइंड में जल्दी से क्या राइट आंसर आपका रहेगा। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैनुल आबदीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, इनको कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप बिल्कुल याद रख लीजिए थोड़ा सा। तो या आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो अगर आप रेगुलर चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रेगुलर ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे, एंड कमेंट करके भी आप बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।